आड़ती एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर पाड़ा के नेतृत्व में करीब 200 आड़तियों ने हड़ताल समाप्त करके प्रशासन को अपना समर्थन दे दिया है, जिसके चलते गेहूं खरीद व तुलाई का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ है, मंडी में किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मानकों पर खरा उतरने वाली फसल का एक एक दाना सरकारी खरीद एजेंसी खरीदने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि जिस मंडी में गेहूं खरीद व तुलाई को लेकर दिक्कत आएगी, वहां पर डिपो होल्डरों से गेहूं खरीद का कार्य पूरा करवाया जाएगा। जिले में ऐसे करीब 162 डिपो होल्डरों को प्रशासन की ओर से लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने आज फिर दोहराया कि किसानों की गेहूं खरीदने के बाद 48 घंटे के अंदर उनके खाते में सरकार की ओर से पेमेंट भेजी जा रही है। अभी तक एक सप्ताह के अंदर ही करीब 5 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीदारी सरकार कर रही है तो फसल की पेमेंट भी किसान के खाते में ही जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद कार्य में 4 एजेंसियां लगी हुई है, जिन्होंने अब तक 8,800 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदारी कर ली है। मंडियों में लेबर को लेकर कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि खरीद एजेंसियों को हिदायत जारी है कि मंडियों से गेहूं का उठान हर रोज किया जाए, ताकि भीड़ से बचा जा सके और किसानों को मंडियों में गेहूं लाने में कोई दिक्कत ना हो। डीसी ने आड़ती एसोसिएशन से जुड़े अन्य वर्ग से भी अपील की कि वे प्रशासन व सरकार का गेहूं खरीद कार्य में सहयोग करें, किसानों को दिक्कत ना आने दें। सरकार से आड़तियों की जो बातचीत चल रही है उसके समाधान का प्रयास जारी है, जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अब ये लाइव तस्वीर, क्या कुछ अपील पूरे हरियाणा भर के और करनाल के आड़तियों से? देखिए, इसमें सरकार जो है किसानों की तरफ से पूरे साथ है उनके, और सरकार का बिल्कुल निश्चित सा उद्देश्य है कि कोई भी किसान अपनी जो पैदावार है फसल लेके आए अगर मंडी में, तो उसकी किसी भी कीमत पे उसको कोई परेशानी ना हो, तुरंत खरीदी जाए। सरकार ने पहले से भी हमेशा आश्वासन दिया है कि हम किसान का हर एक दाना फसल का खरीदेंगे, और कुछ इस तरह की बात आई थी इस बार कि कुछ आढ़तियों की तरफ से ये एतराज़ दिया गया था कि किसानों को सीधा पेमेंट क्यों किया जा रहा है, जबकि सरकार की ये पॉलिसी है कि चूँकि फसल किसान की है तो उसके खाते में ही सीधा पैसा डाला जाए और जो आढ़ती है उनको उनकी कमीशन दी जाए। इस वजह से कल शाम को एक बात आई थी कि स्ट्राइक रहेगी आढ़तियों की, लेकिन एक तो कल शाम को हमने कुछ डिपो होल्डर्स को भी फिर इमरजेंसी में हमें टेम्परेरी लाइसेंस देने पड़े, तो लगभग 162 टेम्परेरी लाइसेंसेज हमने दिए थे। आज हमारे साथ करनाल मंडी में धर्मवीर पाडा जी हैं, उनके साथ बाकी जो लगभग मुझे बताया गया 200 आड़ती हैं, उन्होंने सरकार के साथ अपनी पूरी समर्थन दिया है और आज हमने ये खरीद शुरू कराई है। लेबर की भी कोई समस्या नहीं है, बारदाने की भी समस्या नहीं है, और आड़ती भाई भी सारे साथ आए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम आज स्पेसिफिकली अभी लेट नाइट तक खरीद चलेगी। जितनी भी गेहूं ऐसी होगी जो मानकों को पूरा करती होगी मॉइस्चर में, सफाई में, उसको आज रात तक हम खरीद करेंगे और उसको फिर हम उसकी लिफ्टिंग भी कराएंगे। दो चीज़ें हैं सर, क्या डिपो होल्डर्स भी करेंगे खरीद? अगर बिल्कुल, डिपो होल्डर्स को हमने लाइसेंसेस दिए हैं, अगर ज़रूरत महसूस हुई, अभी तो हमारे आड़ती भाई साथ हैं हमारे, तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, हमारी परचेज सारी स्मूथ चल रही है। इनके जिस जिस मंडी में, किसी भी मंडी में अगर इस तरह की नौबत आती है तो फिर हम डिपो होल्डर्स के थ्रू परचेज कराएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में किसान भाइयों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मैं हमारे सभी आड़ती भाइयों से आग्रह करूंगा कि कुछ लोगों का जिनका राजनीतिक वेंडेटा है, कुछ और बैकग्राउंड है, उसके पीछे ना आकर के सब सामने आए और किसानों की मदद के लिए, देखिए सरकार ने सारी जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ ये है कि किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिल पाए, तो किसानों की मदद के लिए आगे आए और खरीद करें। तो तकरीबन किसान यहाँ ये कह रहे हैं कि पैसा जो है आड़तियों के खाते में आना चाहिए, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें अभी तक, बल्कि अभी मेरे पास डेटा है कि 5 करोड़ रुपए, ये सीजन शुरू हुई है, आपको पता है हफ्ता भी नहीं हुआ, हफ्ता हुआ है मुश्किल से, और बहुत कम जो है गेहूँ यहाँ पे आया है, फिर भी 5 करोड़ रुपए जो है सरकार ने किसानों के खाते में डाल दिया है करनाल में, करनाल के जिले की बात मैं बात कर रहा हूँ, और सरकार की जो दावा है 48 घंटे में पेमेंट हो किसान को हो, आगे किसान का और आड़ती का आपसी एग्रीमेंट है, अगर आड़ती किसान को आड़ती को कुछ पेमेंट करनी है तो वो अपने इसे अलग से करे, वो दोनों पार्टीज़ का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो व्हीट है, ये जो गेहूँ है, वो सरकार खरीदती है, किसे खरीदती है? किसान से। तो जब दो पार्टियों में खरीद हो रही है, किसान से सरकार खरीद रही है, तो सरकार पैसा किसान को देगी, स्वाभाविक है, किसी थर्ड पर्सन को क्यों दे? अगर आप किसान देने जाते हैं, उनकी कोई पेंडिंग ड्यूज है या कोई भी है, तो वो फिर बाद में अपनी जो प्राइवेट सेटलमेंट है वो आड़ती के साथ अलग से। फसल नमी की समस्या और जो है पेमेंट की दिक्कत आ रही थी, तो उसके बारे में सर क्या रूपरेखा? देखिए, शुरू में थोड़ी समस्या थी, क्योंकि शायद वो जो अगेती फसल थी वो गेहूं की वो थी, जिसकी वजह से थोड़ी मॉइस्चर ज़्यादा थी,
बट अब जो मुझे फीडबैक मिला है और मैंने देखा भी है कुछ ढेरियों पे मंडी में, फसल अब पूरी पक गई है, पकी हुई आ रही है, तो नमी की दिक्कत अब नहीं है। ज़्यादातर की नमी जहाँ तक मुझे ध्यान है 12% से कम है, तो हमारी खरीद के लिए बिल्कुल तैयार है और हमारी परचेज एजेंसी खरीद। पेमेंट का सर जैसा कि 48 घंटे के अंदर सरकार ने कहा है, बिल्कुल 48 घंटे के अंदर आएगी। आज भी अगर मैं बात करूं तो करनाल जिले में लगभग 8,800 क्विंटल की परचेज अभी हो चुकी है सारी मंडियों में, और करनाल मंडी में तो अभी मेनली हमारी शुरू हुई है, तो उम्मीद है रात तक काफी बड़ी अमाउंट में परचेज हमारी। चार खरीद एजेंसी है सर जो खरीद जी, बिल्कुल फूड एंड सप्लाईज है हमारी, हैफेड है, वेयर हाउस कॉरपोरेशन और FCI है, चार एजेंसीज हैं जो खरीद कर रही हैं। सभी एजेंसीज के प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, सबके पास पर्याप्त मॉइस्चर मीटर्स हैं, और जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल है, लेबर भी सफाई पर्याप्त मात्रा में है। हमारी कोशिश रहेगी कि जो गेहूँ हम खरीदें, चाहे किसी भी करनाल की किसी भी मंडी में खरीदें, उसकी तुरंत उसी दिन चाहे लेट नाइट तक हो उठान जरूर करें, ताकि मंडी में ग्लटिंग ना हो, भीड़ ना लगे। उम्मीद है ये हड़ताल पे नहीं जाएंगे या ये काम करना बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल सभी आढ़ती भाई हमारे साथ हैं, साथ मेरे साथ सारे काम चलेगा, कोई उन्होंने बिल्कुल अश्योरेंस दिया कि सारे प्रशासन के साथ हैं और कोई स्ट्राइक। सर जो दूसरी एसोसिएशन है, पुरानी एसोसिएशन है और बड़ी एसोसिएशन है जिसमें काफी आढ़ती है और पूरे हरियाणा भर के जो प्रधान भी है उसमें, वो अभी हड़ताल पर है, तो उनको समझाने के लिए कुछ अपील करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपने किसान परेशान होगा। बिल्कुल अपील करूंगा कि जो उनकी जो भी बात है, उनकी मुख्य बात यह है कि सरकार उनको पैसा दे, किसान को डायरेक्टली ना दे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी जो बैठक हुई थी उसमें यह भी तय हो गया था कि चूंकि FCI के द्वारा मैंडेट किया गया है और ये खरीद FCI ही करती है, पेमेंट भी FCI करती है, केंद्र सरकार करती है, तो राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के साथ ये मुद्दा उठाया जा रहा है, उसमें समय भी लग सकता है, लेकिन इस समय लगने की वजह से किसान भाइयों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमने सभी आढ़ती भाइयों से अपील की थी, मैं दोबारा अपील करना चाहूँगा कि सरकार ने जो मुद्दा उठाया उसमें उसको रिजोल्व होने में समय लग सकता है, लेकिन इस दौरान खरीद जारी रखें। जो आपने बात की, जो दूसरा वर्ग है, मैं उनसे अभी भी अपील करना चाहूँगा, कभी भी वो दोबारा से परचेज शुरू करना चाहें जरूर करें, और ज़्यादातर जैसे अब आप देख पा रहे हैं आढ़ती हमारे साथ हैं और उन्होंने प्रशासन को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, नई पंचायत के जो आढ़ती शुरू कर दी गई है, आज प्रशासन से हमारी सारा दिन बातचीत चलती रही, SDM साहब, DG साहब और बाकी सारे प्रोक्योरमेंट के जो अधिकारी हैं। ये पंचायत जो है ना, पंचायत में जो है ना दो फाड़ इसलिए हुई है कि इसमें राजनीति घुसी हुई है, और हम चार दिन से अपने स्टेट प्रधान से जो है ना लगातार उसके से बात कर रहे थे, भाई आप हमारे से बात करो, हमें मिलने का समय दो, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, बिल्कुल अनसुना कर दिया, और उन्होंने हमें मिलने तक का टाइम भी नहीं दिया, तो फिर हम क्यों उसके नीचे रह के काम करेंगे, जो आदमी जो है ना मिलने का टाइम भी नहीं देता, अपने पदाधिकारियों की, अपने आढ़तियों की बात भी नहीं सुनता, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए जो है ना हमने फिर किसान भी क्यों परेशान हो, आढ़ती भी क्यों परेशान हो, इसलिए हमने जो है ना DG साहब से मिलके और सारी उनसे बात करके जो भी हमारी समस्याएं थी वो सारी टोटली DG साहब ने रिमूव कर दी है, मान ली है और हो भी गई हैं कुछ, तो आज ही सिर्फ एक पेमेंट की समस्या है, वो जो है ना उसका प्रोसेस चला हुआ है, वो होगी, ये वैसे भी नहीं होनी है, दो दिन हड़ताल रखो, चार दिन रखो, लेकिन वो नहीं होगी जो हमारी सोच है, लेकिन प्रशासन जैसे कहता है भी ये प्रोसेस चला हुआ है, ये सेंटर का काम है FCI का, तो होगा तो बड़ा अच्छी बात है, हमारी मांग मान ली जाएगी, नहीं तो जैसे सरकार चाहेगी वैसे चलना पड़ेगा। उन किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो अभी भी गेहूँ अपने घर पर रोक कर बैठे हुए हैं? नहीं, घर पर तो कोई अभी तक ऐसी समस्या नहीं आई भी घर पे रोकने वाली बात है, अभी तो कटाई चालू हुई है, अभी वो पीक सीजन नहीं आया कि मतलब हर गांव में हर घर में मशीन लगी हुई है, वो तो अभी टाइम नहीं आया, अभी तो जो कटी हुई है वो सभी यहाँ पे आ चुकी है, और जो जिन्होंने रोकी है वो हमने कह के रुकवाई है उनको, भाई आज हड़ताल है तुम आज रुको, वो सवेरे आ जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब शुरू कर दी गई खरीद? हाँ जी, खरीद चालू हो गई है, तोल लगा हुआ है आपके सामने। कितनी फसल खरीद ली गई है? ये जी अभी तो चार ट्रॉली मेरी इस पर आई है, और ये कम से कम भी आप लगाओगे 350 क्विंटल। उनका हमने विश्वास हमारे को दिला रहा है, इसमें समय लगेगा, लेकिन जो फसल तैयार है जो किसान की, अगर आज हम हड़ताल पर चले गए तो वो कहाँ डाल लेंगे, किसान परेशान होगा, मजबूर होगा। और दूसरी एसोसिएशन जो है अशोक गुप्ता जी स्टेट प्रेसिडेंट है, आप देख सकते हैं करते हुए आड़तियों का मुंह मीठा कराते हुए, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो डेयरी है। ब्रे
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक